कमर बस्ता कर ली है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एडिशनल एसपी मुदस्सर सभासु लेकिन आज बड़ी कार्रवाई देखते हुए राजौरी के अंदर एक और जो है ड्रग माफिया के प्रति जो है कार्रवाई कर रही है वो उसकी केवल और केवल ये सीधा देख रही है। नौजवानों को जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई इन सब चीज का कारोबार कर रहे हैं, मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, हमारी नई नस्ल को मंशियात के जहर के साथ ख़राब कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने तहिया कर रखा है कि राजौरी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस कुलहम तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी हुई है हमने, जिसमें हम इन कारोबारियों को कानूनी तौर से पहले इनकी गिरफ्तारी होती अमल में आती है, केस इन पर रजिस्टर होते हैं और केस को हम मुकम्मल तहिए से कानून के मराहिल के तय करते हुए मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं और जो भी प्रॉपर्टी नारकोटिक्स की ट्रेड के साथ वाबस्ता होती है, इस ट्रेड की कमाई के साथ उन्होंने बनाई होती है, उसको कानूनी तौर साबित करके हम जब्त करते हैं और कानूनी कार्रवाई उसमें की जाती है। इसी सीरीज़ के तहत आज आपने देखा होगा कि पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टियाँ जब्त की, आज हमने ये जो जब्त की है ये जो शख्स है ये बरकत अली का बेटा है, जिसने 1 करोड़ रुपए इसकी मालियत रेवेन्यू के हिसाब से मजिस्ट्रेट सी के हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी की है, जिसको हमने साबित किया है कि ये प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स सेल से इन्होंने बनाए हैं और कानूनी कार्रवाई इसमें अमल में लाई है और फर्दर जो इसमें अथॉरिटीज़ होती है सेफमा और बाकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको मुतल्ला किया जाएगा और इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पे सीज़ कर दिया गया। ये शख्स कब से इस धंधे में इन्वॉल्व? ये शख्स पेशावराना तौर से इस धंधे में इन्वॉल्व है और इसके खिलाफ कहीं FIR रजिस्टर है, हमने ये नोटिस में पूरी FIR की डिटेल लिखी है, जिस FIR की डिटेल में हमने जो हमारी तहकीकाती टीम है जिसमें SHO राजौरी, जिसमें चौकी अफसर यहाँ के या हमारे DSP हेडक्वार्टर साहब ने मुकम्मल तौर ये कानूनी तौर से अपने चार्जेस फ्रेम किए हैं कि इन्होंने इस ड्रग्स के बिजनेस से पैसा कमा के ये प्रॉपर्टी बनाई है और हमने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सामने ये चार्जेस फ्रेम किए हैं और अब कोर्ट में ये कॉन्टेस्ट होके और मुझे यकीन है कि फाइनली बाकी जो ड्रग माफिया सर राजौरी पुलिस का क्या मैसेज है? राजौरी पुलिस का जो भी कानून को अपने हाथ में लेके लोगों को यहाँ पे ड्रग्स जहर खिला रहा है और हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहा है, हमारे मुल्क को एक अंधे कुएं में कर रहा है, उनके खिलाफ़ ये मैसेज है कि हम कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई अपनी होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।